ये वीडियो पॉज किसने कर रखी थी? नहीं बन रही थी इसमें तो पॉज है, झूठ बोल रहा है। अरे कोई नहीं, दोबारा निकल ले। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप लोग? जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। और आज है नवरात्रों का चौथा दिन और मेरा व्लॉग का भी चौथा दिन है। आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। एंड अभी मैंने एक काम कर लिया है और टाइम हो चुका है, अभी 8:15 हो रहे हैं। सो हस्बैंड अभी भी गए हैं प्लॉट पर, तो उनके आने के बाद मैं पूजा करूँगी। और तब काम तो मैंने कर ही लिया है, जैसे मैं अभी नहाऊँगी, तैयार हो जाती हूँ, जब तक वो आते नहीं हैं। बच्चे अभी श्रेष्ठ अभी सो रहा है, गुड़िया जग चुके खेल रही है अपने बाबा के साथ में। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि हस्बैंड अभी भी वहीं पर गए हैं, मतलब मकान पर गए हैं, तो इसलिए मैं अभी अकेली पूजा कर रही हूँ क्योंकि उनका भी पता नहीं कितने बजे तक आएंगे। और पूजा 12 बजे से पहले हो जानी चाहिए, अभी टाइम भी 11:30 से कुछ ऊपर हो रहा है। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आज पूजा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं अपने प्लॉट पे ही जा रही हूँ, कुछ काम है, हस्बैंड मुझको लेने आया था, बीच में मुझे सब्जी छोड़नी पड़ गई, तो सब्जी छोड़ के मैं जा रही हूँ बीच में। अब मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, फिर मैं सब्जी की रेसिपी फिर से बनाऊँगी, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रास्ते में घर पे आते वक्त एक जूस की दुकान दिखी, तो मेरे हस्बैंड हम लोग जूस पिलाया, मैं गुड़िया और हस्बैंड हम पी रहे थे, स्पेस घर पर रह गया था, सो जूस पी रहे थे। ये बर्फ वाला है, ये बर्फ वाला है, लग नहीं रहा है, लग रहा पानी डाल बर्फ डाल के देंगे, ये पानी मिक्स करके दिया, बर्फ डाल के थोड़ा दिया, ऐसा लग रहा है ठंडा पानी मिक्स कर दिया, बर्फ नहीं लग रही है। ठंडा पानी कहाँ से लेके आए? ये कैसे? ये तो भी सही लग रहा है, कलर ही देखना दोनों में डिफरेंस। लौकी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया चने की दाल की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याज लिया है, उसको कट करके रख लिया है, प्याज लहसुन के बनाऊंगी, कट करके अच्छे से वॉश करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो मैंने ये आधी किलो, तो मैं और चने की दाल भी भिगो के रखूंगी क्योंकि चने की दाल यहाँ पे देख सकते हो, मैंने चने की दाल भिगो के रख ली है, कम से कम 3 मुट्ठी मैंने रखी थी, मेरे को चने की दाल ज्यादा डालनी थी क्योंकि मेरे घर में ना घिया घिया की पसंद नहीं करते हैं, बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं ओनली घिया की सब्जी को, तो चने की दाल मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है और इसे भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने 5-6 मिर्च लिया, हरी मिर्च, और 2 मीडियम टमाटर लिए, इन दोनों को मैं दरदरा पीस लूंगी, मतलब चिली कटर होता है ना उसमें मैं दरदरा करके पीस लूंगी। और यहाँ पर मैं कुकर चढ़ा देती हूँ, तब तक इसमें तेल गरम होगा, तेल डाल देती हूँ, सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, रिफाइंड मैं पहले बहुत यूज़ करती थी बट मैंने आजकल सरसों का तेल यूज़ करना शुरू कर दिया। तो देख सकते हो इस तरीके का मैंने पीस लिया है, पीस में क्या दरदरा सा रह गया है, चिली कटर में ही किया तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है और तेल के अंदर मैं जीरा छोड़ दूंगी, देख सकते हो आधी चम्मच मैंने जीरा इसमें डाल दिया है, और जब इसमें चटकने की आवाज़ आ जाएगी ना जीरे के अंदर, तो समझ लेना जीरा भुन चुका है। उसके बाद मैंने जो टमाटर और हरी मिर्च थी वो दोनों मैंने इसके अंदर मिक्स डाल दिया है और अच्छे से चलाऊँगी इसको, और इसके अंदर मैं आधा छोटा चम्मच मैं हल्दी डालूंगी और आधा छोटा चम्मच ही मैं इसके अंदर मिर्च डालूंगी, देख सकते हो, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा क्योंकि गरम मसाला भी मुझे इसमें डालना है।
और आधा चम्मच ही, आधा चम्मच से ज़्यादा, आधा छोटा चम्मच से ज़्यादा, मैंने लगभग पौना चम्मच मैंने इतना नमक डाल दिया है और हल्की सी चुटकी पर मैंने हींग डाली है। अगर ऐसे आप बाद में हींग डालते हो ना, तड़का एक जीरा के साथ में भी डालते हैं कुछ लोग और ऐसे भी डालते हैं, बट मैं एक थोड़ा सा ट्रिक है ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर इस तरह से आप हींग डालोगे ना बाद में तो उसका टेस्ट और ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर घिया कटी हुई रखी है, वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो एक हाथ से कर रही थी, एक हाथ में मेरा कैमरा पकड़ रखा था मैंने, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑफ करके कैमरे को फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और चने की दाल भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो देख सकते हो मेरी चने की दाल अच्छे से गल चुकी है और मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। तो कलर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा आ गया है। तो प्याज की ज़रूरत नहीं है आपको, प्याज के बिना भी बहुत टेस्टी बनती है और सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ, देख सकते हो मैंने लगभग एक आधा पौना गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, क्योंकि मेरे को इसकी सीटी लगानी है और सीटी लगा के बहुत जल्दी घुल भी जाती है और अच्छे से बन भी जाती है। यहाँ कुकर में लगा दिया है, ढक्कन कुकर का लगा दिया और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया हाई फ्लेम पर, और देख सकते हो दो सीटी मैंने लगाई है और मेरी सब्जी रेडी हो गई है। आधे चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है और इसको अच्छे से चलाऊंगी। तो देख सकते हो कलर कितना प्यारा आया है सब्जी का, और मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और थोड़ा सा मैं धनिया ऊपर से स्प्रेड कर दूंगी और लुक कलर आप देख सकते हो बहुत प्यारा आया है, खाने में बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। यहाँ पे आरती होना शुरू हो गई है और आरती के एंड में मेरे देवर ने मेरे साथ प्रैंक किया, वो मैंने इसमें ऐड किया है, मैंने काटा नहीं उसको। आप प्लीज देखना, बहुत ही मजा आएगा आपको देखा। कहत जय अम्बे गौरी, अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मुको निस दिन भावत मास भर जय अम्बे गौरी, परिवार की जय। बोल विष्णु माई की। ये वीडियो पॉज किसने कर रखी थी? नहीं बन रही थी इसमें तो पॉज है, झूठ बोल रहे। अरे कोई नहीं, दोबारा दोबारा कर ले, दोबारा नहीं थे तुमने करी होगी, हमने देखो सब चुगने आज बहुत अच्छी करके बनी है, ऊपर जा जाएंगे। मैं तो डर गई, मेरी मेरे फिर से डालूंगी इतनी सी अंकित यहां। अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।